कि अब नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे हम लोगों का कोई वास्ता तो है नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो कोई सेकेंड लाइन जो है उनके पार्टी में तैयार नहीं, लेकिन अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, नीतीश कुमार कहे पार्टी टूटेगी, उसका एक धड़ा जो है हमारे पास आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो अब दिल्ली जा सकते हैं, केंद्र की राजनीति में वो हिस्सेदार बनेंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे, बहुत सारी चर्चाएं हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा, जितना आपका हमको लगता अनुभव है उतनी तो मेरी अभी उम्र भी नहीं है, ये बात तो मैं शुरू से कहता हूँ। आप लंबे समय तक नीतीश कुमार के सहयोगी भी रहे, उनके साथ काम किया, आप उनको जानते भी हैं। अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, पहली बात तो ये, तो कैसे इसे देखते हैं, और अगर वो जाते हैं तो फिर बिहार में जेडीयू का क्या हाल होगा? देखिए, अब नीतीश कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे हम लोगों का कोई वास्ता तो है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को उससे क्या मतलब है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, जो कुछ करना है वो कर चुके हैं, और एक अन्य मार्ग जो है उसकी स्थिति वृद्धाश्रम की हो गई है। जैसे कोई वृद्ध आदमी वृद्धाश्रम में जा करके अपना समय काटता है, लगभग वही स्थिति है उनकी। अफसरों की मीटिंग बुलाना, जहाँ जा रहे हैं वहाँ 50 को गाड़ी पीछे पीछे जा रही है, माने जिलों के यात्रा कर रहे हैं तो सारे पदाधिकारी जा रहे हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं, इसमें उनको माने आत्मसंतुष्टि उनको मिलती है। और देखिए, कल जो है उनका बयान देखे, कहा कि साहब धर्म के मामले में कोई क्या कर रहा है, अच्छे लोग माने नहीं हैं, भले लोग जो है इस धर्म की लड़ाई नहीं करते हैं, कितना आसानी से बोल गए वो। और बिहार में गिरिराज सिंह ने कहा बेगूसराय के बारे में कि हिंदू जाएं तो कहाँ जाएं। बिबोचौल ठाकुर हैं, उन्होंने कहा कि साहब मुसलमानों को का वोटिंग राइट ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह से और लोगों का भी बयान आया है। इस बार रामनवमी जो है जिस ढंग से बिहार में मना और छोटे छोटे कस्बों में मना, इसके पहले उस तरह का रामनवमी में दृश्य कभी दिखाई नहीं दिया था। तो नीतीश कुमार जो है प्रवचन, एक साधु का जो प्रवचन होता है, उस तरह से कह रहे हैं कि साहब धर्म, जो धार्मिक आदमी हो ही नहीं सकता है जो लड़ाई झगड़ा करे। वो भी कह रहे हैं कि समाज में प्रेम सौहार्द बना रहे, हम तो यही चाहते हैं, अशांति फैलाने वाले मुझे जरा भी पसंद नहीं है। नहीं पसंद है तो गिरिराज जी के बयान पर उन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला भाई? भुचौल ठाकुर के बयान पर उन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला? अभी जो दिखाई दे रहा है जिस ढंग से आक्रामक ढंग से बिहार के छोटे छोटे कस्बों में भी रामनवमी का जुलूस निकला, ये कैसे हो गया भाई? आप जो है सौहार्द की बात कर रहे हैं तो सौहार्द वाला उपदेश कहाँ जा रहा है, और ये रगड़ा वाला जो है मामला जो दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है? ये एक स्थिति है। इसलिए देखिए, वो हमको लगता है कि अब वो आराम शायद खोज रहे हों, ये भी संभव है। लोग भले आकलन कर रहे हैं कि साहब उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, हम नहीं जानते हैं ये संभव है कि नहीं है, लेकिन इसकी गुंजाइश तो है। अगर होते हैं तो क्या ठीक रहेगा? अब ये तो ठीक रहेगा बेठीक रहेगा उससे क्या मतलब, वो भी एकदम से अरे वृद्धाश्रम ही है, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आते हैं राज्यसभा में प्रेजाइड करते हैं, घंटा भर डेढ़ घंटा रहते हैं, चले जाते हैं, सुख का आराम का इंजॉय करने का जो नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, लगभग वही स्थिति जो है उनकी वहाँ रहेगी। इससे अधिक की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ उनके जाने के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा? अभी देखिए, बोचाह में उपचुनाव हुआ, नीतीश जी गए भाषण करने के लिए, बुरी तरह हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो नीतीश कुमार में वोट ट्रांसफर कराने का, वोट दिलवाने की जो क्षमता है वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी कहीं से दिखाई दे नहीं रहा। इसके अलावे भी आप देखिएगा कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो कोई सेकेंड लाइन जो है उनके पार्टी में तैयार नहीं, कौन होगा जो पार्टी को एक साथ एकजुट करके रखेगा? एक ही भी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि साहब अगर नीतीश कुमार गए पार्टी टूटेगी, उसका एक धड़ा जो है हमारे पास आ सकता है, एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, ये अनुमान लोग लगा रहे हैं। ऐसा होगा ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी बराबर सामाजिक न्याय या कोशिश करते हैं धर्मनिरपेक्षता वाली बात की, तो
उसकी तो मूल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। आप देखिएगा जो समाज का स्ट्रक्चर है, सामंतवादी जो ढांचा था, उस ढांचे को लालू यादव ने तोड़ा। आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर ने भी लागू किया था, आरक्षण का लाभ भी लोगों को मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिहार के समाज का जो सामंतवादी ढांचा था, कर्पूरी जी के आरक्षण ने उसको मैंने तोड़ नहीं सका। लालू यादव का ने जब मंडल कमीशन के बाद के लागू होने के बाद जो सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू किया, उसने हमारे समाज का जो पुराना, सदियों पुराना जो ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको ध्वस्त कर दिया। और उसी के वजह से नीतीश कुमार भी उसमें थोड़ा आगे बढ़ा पाए। अगर वो सामंती ढांचा नहीं टूटा होता तो नीतीश कुमार सर्पटक के रह जाते, लेकिन जो कुछ उन्होंने अति पिछड़े के नाम पर किया वो नहीं कर पाते। इसलिए लोग जो ये आशंका व्यक्त करते हैं कि अगर पार्टी टूटेगी उनके गैर हाजिरी में, अगर वो दिल्ली चले जाते हैं, अनुभव क्या कहता है, अगर वो नहीं रहेंगे तो टूटेगी पार्टी? नहीं देखिए, वो जाएंगे तो एक तो बात समझ में, एक नीतीश कुमार जब तक हैं, मान लीजिए कि एक है कि सब लोग उनको लेकर के सटे हुए, लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं, छोड़ के कहाँ जाएंगे, अच्छा नहीं भी लगेगा फिर भी साथ में है। फिर सत्ता का तो एक अपना फायदा होता है ना भाई, सत्ता का तो अपना एक ये होता है कि अगर नीतीश कुमार पूछ लिए कि क्या हालचाल है आलोक, तो इसी में थोड़ा आदमी गौरवान्वित महसूस करता है, तो उसकी वजह से पार्टी टिकी हुई है। लेकिन अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, वैसी हालत में कौन होगा भाई? ललन सिंह के साथ पार्टी रहेगी, RCP के साथ पार्टी रहेगी, या उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी रहेगी, या संजय झा, अशोक चौधरी के साथ पार्टी रहेगी? इनमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो पूरे पार्टी को बांध करके रख सके। वैसी हालत में हम कह रहे हैं कि अगर पार्टी टूटती है तो लोग जो राजनीति पर दृष्टि रखते हैं, उन लोगों का ये आकलन है कि पार्टी टूटेगी तो एक हिस्सा उसका भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। अब मान लीजिए ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये RCP को भी हम देख रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन जो सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो नेता है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, और वो नीतीश कुमार का साथ गया है उनके नारे के से प्रभावित होकर के, वो कहाँ जाएगा? तो हमको ऐसा लगता है कि पार्टी टूटेगी तो संभव है कि पार्टी में, संभव क्या ही, पक्का है कि पार्टी में बिखराव होगा, और बिखराव होगा कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ जो है मैंने अभी मैंने कयास लगाना है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, इसी आधार पर हम भी कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जो है बिल्कुल थक चुके हैं, नीतीश कुमार जो है बिल्कुल समर्पण कर चुके हैं, और वृद्धाश्रम वाला एक अन्य मार्ग जो है वृद्धाश्रम बना हुआ है, उसमें अपना दिन काट रहे हैं, 10 को लोग दरबार में बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, हमेशा उनको अफसरों के साथ बैठना अच्छा लगा है। हम जब साथ में भी थे, हम जब भी गए हैं एक अन्य मार्ग में, हमने ये नहीं देखा है कि 4 पॉलिटिकल आदमी वहाँ बैठा हो। वहाँ जाइए तो वही 3-4 जो इनके दुलरुआ पदाधिकारी हैं वो बैठे रहते हैं, और सर सर उनको करते रहते हैं, उसी में गदगद रहते हैं नीतीश जी। तो अब जा सकते हैं, ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे इससे हम लोगों का क्या वास्ता? देखिए, नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे किसी को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो फिर JDU का टुकड़ों में बंटना तय है, ऐसा अनुभव कहता है शिवानंद तिवारी का। बहरहाल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।